हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। सो गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मार्क्स, लेनिन एंड मायो। सो गाइस, पहले वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट कार्ल मार्क्स, सेकंड वीडियो में हम पढ़ेंगे लेनिन एंड थर्ड वन माओ। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्ल मार्क्स से। सो कार्ल मार्क्स वॉज बॉर्न एट ट्रायर इन जर्मनी इन 1918 में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ जर्मनी में। मार्क्स स्टडीड लॉ एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन एंड लेटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, वेयर लाई गॉट अट्रैक्टेड टू द यंग हेगेलियन मूवमेंट। सो कार्ल मार्क्स ने अपनी पढ़ाई कहाँ से की? यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन से, और फिर वहाँ से वो बर्लिन चले गए एंड वो अट्रैक्ट हुए यंग हेगेलियन मूवमेंट से, विच वॉज हाईली क्रिटिकल नॉट ओनली ऑफ द प्रूशियन गवर्नमेंट बट ऑल्सो ऑफ क्रिश्चियनिटी। बिकॉज ऑफ हिज एसोसिएशन विद हिस एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट, हिज करियर ऑप्शन इन यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट वे वर्चुअली क्लोज। तो जैसे कि वो एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट में हिस्सा लेने लगे, तो उससे क्या हुआ, उनके करियर ऑप्शन को यूनिवर्सिटी में क्लोज हो गया, वो यूनिवर्सिटी में उनका करियर नहीं बना पाए। देयरफॉर ही टुक टू जर्नलिज्म एंड बिकेम द एडिटर ऑफ जिंगशी जैतुंग। तो वो क्या बने, वो जर्नलिज्म करने लगे और फिर वो एडिटर बने इस जगह के। हियर ही बिगेन राइटिंग रेडिकल आर्टिकल्स ऑन इकोनॉमिक इश्यूज, क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। लेकिन यहाँ पे भी ये क्या करने लगे, ये आर्टिकल लिखने लगे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करती थी। द प्रूशियन रूलर्स वेर अनॉयड एट हिज व्यूज एंड ऑर्डर द क्लोजर ऑफ हिज न्यूज़पेपर। तो इसकी वजह से क्या हुआ, उनका न्यूज़पेपर भी क्लोज हो गया। सो ही वॉज फीलिंग सफोस्टिकेटेड इन जर्मनी, तो उनका दम घुटने लगा जर्मनी में। मार्क्स माइग्रेटेड टू फ्रांस इन 1843, फिर 1843 में वो फ्रांस चले गए। ड्यूरिंग ही स्टे एट पैरिस ही केम इन टू कॉन्टैक्ट विद द फ्रेंच सोशलिस्ट एंड बिगैन टू ऑर्गेनाइज द माइग्रेंट जर्मन वर्कर्स। के बाद फिर वो पैरिस में रहने लगे, फिर वो एक फ्रेंच सोशलिस्ट से मिले और फिर उनके साथ वो एक माइग्रेंट जर्मन वर्कर्स वहाँ पर काम करने लगे। ही वॉज ऑल्सो एट पैरिस that Marx wrote his first major work, economic and philosophical manuscript popularly known as EPM. तो वहाँ पेरिस में उन्होंने क्या किया, एक उनका मेजर बुक लिखा जिसका नाम था EPM. The central concern of this world is alienation. It was also during his stay at Paris and he met Friedrich Engel who became his lifelong friend. उसके बाद फिर वहाँ पर वो फ्रेडरिच एंगल से मिले जो उनके lifelong friend बने। And benefactor. However, because of his revolutionary ideas, Marx was expelled from France as well. So उनको फ्रांस से भी निकाल दिया गया 1844 में, क्योंकि उनके revolutionary ideas के वजह से। Then वो चले गए बेल्जियम। During his stay in Belgium, स्पैनिंग ओवर 3 years, फिर वहाँ पर वो 3 साल रहे, मार्क्स गॉट इन्वॉल्व इन अ सीरियस स्टडी ऑफ हिस्ट्री विच लाइड हिम टू प्रपाउंड हिज फेमस थियरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म और मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। फिर उसके बाद उन्होंने उनका हिस्ट्री में एक फेमस थियरी लिखा। दिस थियरी इज कंटेंड इन द फर्स्ट जॉइंट वर्क ऑफ मार्क्स एंड एंगल। तो ये जो था, ये दोनों का जॉइंट वर्क था, मार्क्स और एंगल का, टाइटल द जर्मन आइडियोलॉजी। Like EPM, even this work was not published during Marx's lifetime. जैसे कि EPM भी उनके lifetime में publish नहीं हुई, वैसे ये भी उनके lifetime में publish नहीं हुई। उनके death के बाद ये दोनों भी books publish हुई थी। Around this time he joined the Communist League, which was an organization of immigrant German workers. उसके बाद फिर उन्होंने Communist League join कर ली, जो एक क्या था, organization था इमिग्रेंट जर्मन वर्कर्स का। वेन द लीग हेल्ड इट्स कॉन्फ्रेंस एट लंडन इन 1847, मार्क्स एंड एंगल वेर असाइंड द टास्क ऑफ राइटिंग अ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो फिर जो लंडन में कॉन्फ्रेंस होने वाली थी 1847 में, उसमें मार्क्स और एंगल को क्या काम दिया गया कि वो एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखे। देन इट वॉज अ पब्लिकेशन ऑफ दिस वर्क इन 1848 विच लेड टू अ वे ऑफ वर्कर्स रेवोल्यूशन इन यूरोप, मोर पर्टिकुलरली इन फ्रांस। तो उसके बाद ये 1848 में पब्लिश हुआ, जिसने क्या किया, एक वर्कर रिवॉल्यूशन को अराइज किया यूरोप में और फिर फ्रांस में भी। मार्क्स एनालिसिस ऑफ दिस रिवॉल्यूशन इज कंटेंट इन टू वर्ल्ड,
works, the class struggle in France, and the 18th Brunner of Louis Bonaparte. तो ये दो बुक्स थी. In 1848, Marx returned to France and from there to Germany, where he again started the publication of his earlier newspaper. फिर उसके बाद मार्क्स 1848 में फ्रांस गए, उसके बाद फिर जर्मनी गए, और जो न्यूज़पेपर उनका बंद हो गया था उन्होंने फिर से उसको पब्लिश करना स्टार्ट किया. Then, like its earlier stance, the paper was highly critical of the Prussian government and it was again closed down by the authorities. और फिर से वही चीज़ हुई, उनका जो पेपर था उसको फिर से क्लोज कर दिया गया. In 1849, Marx moved to England and stayed at London till his death in 1883. उसके बाद फिर वो इंग्लैंड चले गए और जब तक कि उनकी डेथ नहीं हुई वो वहाँ लंदन में ही रहे. Marx 34 years stay in England is marked by two changes in him. तो जो 34 years वो इंग्लैंड में रहे उसमें से उनमें दो changes आए थे. Firstly, he moved gradually but decisively from philosophy to economics. तो पहले तो वो philosophy से economics में चले गए. Unlike alienation, which is a central theme of EPM, Marx now got engrossed in the analysis of the phenomenon of exploitation. He devoted his attention to serious economic questions like wage labor, capitalism and surplus value. तो ये जो थे उनके बेसिक क्वेश्चंस थे अबाउट वेज लेबर, कैपिटलिज्म एंड सरप्लस वैल्यू. सेकेंडली, ही वॉज एज मच इन्वॉल्व इन राइटिंग सीरियस treatises as in leading the workers' movement in Europe. He was not merely an armchair theoretician, critical of capitalism and its exploitative nature, but also a revolutionary and an ideologue of communism. His most incisive work in this direction was a massive manuscript titled Grundrisse. तो उनकी एक manuscript थी, वो एक उनका famous work था, which he wrote around 1857, but which came to light only in 1939. उन्होंने ये बुक काफ़ी पहले लिखी थी 1857 में, लेकिन 1939 में उसके ऊपर लाइट आया, मीन्स वो पब्लिश हुई. एंड अब्रिज वर्शन ऑफ दिस वर्क इज कंटेंट इन हिज प्रीफेस टू कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी. His thesis about labor theory of value, surplus value and law of capital accumulation are contained in his 3-volume magnum opus Capital, whose first volume came out in 1867 and the remaining 2 volumes were published by Engel after Marx's death. Then alienation. So guys, alienation ka matlab hota hai separation of a person from an object or position of former attachment. ये होता है एलिनेशन का मतलब, कि कोई पर्सन को या फिर कोई पोजीशन को मतलब छीन लेना. ओके, देन इसमें बताया है कि हेगेलियन आइडियलिज्म को बताया है, एंडी ह्यूमनाइजेशन बताया है, एंड लॉस ऑफ सेल्फ. तो गाइस आप ये पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. उसके बाद आता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, जो कार्ल मार्क्स का इम्पॉर्टेंट एक वर्क था. तो इसमें बताया था स्पिरिचुअलिस्टिक इंटरप्रिटेशन, द आइडियलिस्ट इंटरप्रिटेशन एंड द मटेरियलिस्ट इंटरप्रिटेशन. ये 3 इंटरप्रिटेशन के बारे में बताया है. एंड उन्होंने कहा है कि इट इज़ द माइंड विच इज़ प्राइमरी एंड मैटर सेकेंडरी. तो माइंड को प्राइमरी एंड मैटर को सेकेंडरी बताया है. वेल, अकॉर्डिंग टू मार्क्स मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन, इट इज़ मैटर विच इज़ प्राइमरी एंड द माइंड सेकेंडरी. तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन, मैटर प्राइमरी है एंड माइंड सेकेंडरी है. ओके, देन हेगेलियन पोजिशन इज कैरेक्टराइज एज अ डायलेक्ट्रिकल आइडियलिज्म एंड दैट ऑफ मार्क्स इज नोन एज डायलेक्ट्रिकल मटेरियलिज्म. देन बताया है कि क्लास वार. तो जो डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती है, जैसे कि कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट और जो अलग अलग है, तो उसके बारे में बताया है. देन सरप्लस वैल्यू. सरप्लस वैल्यू में बताया है कि प्रॉफिट एंड ऑल. तो आप ये अगर पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. तो गाइस इस वीडियो में हमारा कार्ल मार्क्स ख़त्म होता है, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्लादिमीर लेनिन. सो गाइस, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन एंड डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.